जब तक सूरज चांद रहेगा धोनी तेरा नाम रहेगा। एक बार फिर फैंस को रुला गया है माही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्पोर्ट के और नई वीडियो में। दोस्तों 24 मार्च 2022 की वो तारीख जब चेन्नई सुपर किंग टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से फैंस को जोरदार झटका दे दिए है। फैंस को ये आस लगाए बैठे थे की धोनी एक बार फिर से CSK की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन धोनी ने IPL शुरू होने से पहले ही फैंस का दिल तोड़ दिया है। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के आगाज से पहले चेन्नई सुपर किंग टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ दी है। धोनी की कप्तानी छोड़ने के बाद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को CSK का नया कप्तान बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि धोनी पूरे IPL में सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में ही दिखाई देंगे। माही के फैसले की जानकारी चेन्नई सुपर किंग टीम ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए दी है। धोनी के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत में मायूसी सी छा गई है, क्योंकि किसी से यह बात नहीं छिपी थी कि धोनी कितने महान कप्तान है और किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि माही एकदम से CSK की कप्तानी छोड़ देंगे। फैंस माही की कप्तानी के मुरीद थे और हर कोई उन्हें अपने एक और IPL सीजन में कप्तानी करते हुए देखना चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। माही की कप्तानी छोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर अपना गम शेयर कर रहे हैं लोग। दोस्तों हम आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा कप्तानी छोड़ने के बाद धोनी के फैंस बहुत ही ज्यादा दुखी हैं और सभी फैंस दुखी होकर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या रविंद्र जडेजा CSK की कप्तानी संभाल पाएंगे या नहीं? आप अपनी व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस खबर के बारे में लिखना न भूले। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।